हेलो एवरीवन, आज हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो हमारा एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इट इज प्रेजेंटेड बाय मी आयुष श्रीवास्तव। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज प्रीवियसली नोन एज। फर्स्ट ऑप्शन है कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड ऑप्शन सिंडिकेट बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, या फोर्थ है हमारा कैनरा बैंक। सबसे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। जो फर्स्ट इंडियन बैंक था वो था हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये स्टैब्लिश हुआ था 1770 में। जो फर्स्ट कमर्शियल बैंक वो था हमारा अवध कमर्शियल बैंक, ये स्टैब्लिश हुआ था 1806 में। जो फर्स्ट बैंक, द फर्स्ट बैंक विद टोटल कॉर्पस मतलब फंड, कॉर्पस मतलब फंड्स, ठीक है, वो था हमारा पंजाब नेशनल बैंक, ये स्टैब्लिश हुआ था 1895 में। इसका जो हेडक्वार्टर था वो था लाहौर में, जो प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान में है, ठीक है। 1878 में ही थ्री प्रेसिडेंसी बैंक्स खोले गए थे, वो थे हमारे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। और 1921 में तीनों बैंक्स को मर्ज कर दिया गया था और बनाया गया था एक बैंक जिसको कहते हैं हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। 1955 में ही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया था और इसका नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था। सो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है, आप चाहें जो वीडियो पॉज करके एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिजनेस इन स्टॉक मार्केट्स एंड अदर सिक्योरिटीज मार्केट इज रेगुलेटेड बाय, ठीक है। जो बिजनेस होता है हमारा स्टॉक मार्केट्स का और अदर सिक्योरिटी जो मार्केट्स होते हैं वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेकंड है स्टेट एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड है स्टॉक एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सोल ट्रेड एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें हमारा ऑप्शन वन इज करेक्ट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑल्सो नोन एज सेबी। और ये जो सेबी है ये सेटअप हुआ था 1988 में and it was set up to regulate the functions of security markets and it promotes orderly and healthy development in the stock market, therefore option A is correct, ठीक है। अब आते हैं third question की तरफ, the liquidity preference theory of interest was propounded by, जो हमारी liquidity preference theory of interest थी वो किसके द्वारा दी गई थी। so पहला option है जेम कीन्स, second option अल्फ्रेड मार्शल, third option डेविड रिकार्डो and fourth option है हमारा एडम स्मिथ। सो जो ये थ्योरी थी वो थ्योरी दी गई थी जेएम कीन्स के द्वारा, इसका मतलब ऑप्शन वो फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। और ये दी गई थी 1936 में एंड इट इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ ऑल एंड अकॉर्डिंग टू मिस्टर कीन्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ए प्योरली मॉनेटरी फिनोमिनन, इट इज द रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सो ऑप्शन वन इज करेक्ट। मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज रिलेटेड टू मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। ऑप्शन ए फिक्स्ड कॉस्ट, ऑप्शन बी इम्प्लिसिट कॉस्ट, ऑप्शन सी प्राइम कॉस्ट, ऑप्शन डी वेरिएबल कॉस्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इन चीजों के बारे में बताता हूं। जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है वो हमारी दो चीजों से मिलकर बनी होती है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट अफेक्ट्स द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो भी कब, जब वेरिएबल कॉस्ट एग्जिस्ट करेगी मतलब होगी, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है हमारा, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द चेंज इन द प्रोडक्शन आउटपुट लेवल, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ये इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में। इम्प्लिसिट कॉस्ट आर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑलरेडी ओन्ड बाय द फर्म एंड इज यूज इन बिजनेस। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होगा हमारा एक्सपेंडिंग ए फैक्ट्री ऑन टू लैंड ऑलरेडी ओन्ड, मतलब कि आपके पास जो पहले से ही जमीन है उसमें ही जो आपकी फैक्ट्री है, कोई जमीन है जिसपे आपकी फैक्ट्री लगी हुई है, उसमें अगर आपकी कोई जमीन बची हुई है तो उसी में अपनी फैक्ट्री को और बढ़ा देना और उसमें जो लागत आएगी वो हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। अब हम लोग बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। तो फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट डू नॉट चेंज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन लेवल, व्हाइल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट कैन बी एसेट्स लाइक बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट्स। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तो व्हाट इज प्राइम कॉस्ट। द टर्म प्राइम कॉस्ट रिफर्स टू द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एन आइटम, इट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स टू द कॉस्ट ऑफ लेबर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन प्रोसेस, ओके। ये आपका आंसर दिया गया है, आंसर डी, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड द फिफ्थ क्वेश्चन, जीईएफ एंड इंटरनेशनल एड Giving agency has the full form global, first option global education fund, second option global environment fund and third option global energy fund and fourth option is आपका global economic fund। So जो इसका आंसर होगा हमारा
वो हमारा ग्लोबल एनवायरमेंट फंड, मतलब भी ये आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है, ग्लोबल एनवायरमेंट फंड इज एक ग्लोबल अल्टरनेटिव एसेट मैनेजर विद अप्रॉक्स $1 बिलियन इन एसेट अंडर मैनेजमेंट, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1990 में, ठीक है। ये अभी तक की वर्ल्ड की मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट फर्म है एंड इट इज डेडिकेटेड टू द एनर्जी एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज सेक्टर। मूविंग टुवर्ड्स द सिक्स्थ क्वेश्चन, ऑटोक्रेसी मीन्स, फर्स्ट ऑप्शन एब्सोल्यूट रूल बाय वन, सेकंड ऑप्शन रूल बाय फ्यू, थर्ड ऑप्शन रूल बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, फोर्थ ऑप्शन रूल बाय द किंग। फर्स्टली आई विल टेल यू व्हाट इज ऑटोक्रेसी। अगर सिंपल वर्ड्स की बात करें तो ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, इसको कहते हैं हम ऑटोक्रेसी, ठीक है। सो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन वन इज करेक्ट, ठीक है। अगर मैं कुछ ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट्स की बात करूं तो वो होंगी आपकी कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि क्यूबा, यूएई, सऊदी अरेबिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम एक्सेट्रा। ऐसा कहते हैं कि इन कंट्रीज में ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट है, ठीक है। ये देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, इन एन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट वन पर्सन ऑटोक्रेट हैज ऑल द पावर्स एंड मेक ऑल द डिसीजंस, देयर आर नो लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन दैट रेस्ट्रेंस द अथॉरिटी ऑफ द ऑटोक्रेट। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज ऑर्डिनरी लॉ। फर्स्ट ऑप्शन इज लॉज मेड एंड इन्फोर्स बाय द गवर्नमेंट, लॉज मेड बाय द कॉमन पीपल, लॉज मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, एंड फोर्थ ऑप्शन इज लॉर्ड लॉज मेड बाय द हाई कोर्ट। सो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, लॉज मेड एनफोर्स बाय द गवर्नमेंट। इसके बारे में हम बात करें ऑर्डिनरी लॉ के बारे में, तो इट इज ए नॉर्मल लॉ जनरली डिस्टिंग्यूस्ड फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ऑर्गेनिक लॉ और अदर सिमिलर लॉज। अगर नॉर्मली किसी डेमोक्रेसी में बात करें तो एन ऑर्डिनरी लॉ मस्ट फर्स्ट ऑप्टेन ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ ए कांग्रेस पार्लियामेंट या अदर लेजिस्लेचर एंड देन बी साइंड इन टू लॉ बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। ये आपका दिया हुआ है ऑर्डिनरी लॉ के बारे में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।